ये ऐसा होना चाहिए जो आप खींच के बाहर निकाल लें। तो जो बहुत फैंसी शैंसी हैं जैसे बेटी के घर लगे, हमें वो फ्लिमजी लगते हैं। हमें एक सिंपल बेसिक हैवी ड्यूटी नलका चाहिए जिसको कि हम घुमा सकें मर्जी से और जिसको हम खींच के ऐसे कर सकें कि हमने जहाँ पानी डालना है धोना है धो सकें। तो पॉट्स धोने में ये इस तरह के नलके बहुत अच्छे रहते हैं। फिर इस जाली की हमें इतनी आदत है कि हमें लगता है कि अगर सिंक में बिना जाली के बर्तन रख देंगे तो वो गंदा हो जाएगा। तो एक फीलिंग होती है जो ज़िंदगी भर किसी चीज़ की आदत से इंसान के अंदर पैदा हो जाती है, वो हमें है। तो यही वजह है कि ये सिंक जो है हमने सारी ज़िंदगी इस्तेमाल किया है। इसका ब्रांड जो है सिंक का वो ये है, ओलिवेरी करके कुछ नाम है, ये देख लें आप। बहुत अच्छा सिंक है, बहुत हैवी, बहुत काम का, बहुत अच्छा रहा, कभी हमें परेशानी नहीं हुई। जिप टैप ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी ज़रूरत, हाँ कॉस्टली है। इसमें फिजी वाटर भी है, इसमें बॉइलिंग वाटर भी है, इसमें कोल्ड वाटर भी है। तो इसका ये बटन है, तो इसका ये जो बटन है यहाँ पर, ये जो लाइट जल रही है ये सेफ्टी बटन है कि आप यहाँ हाथ रख के ऑन करेंगे तो फिर बॉइलिंग वाटर जो है वो निकलेगा। ये वाला जो है ये चिल वाटर है, कोल्ड वाटर बिल्कुल बर्फ़ का पानी इस तरह पर करें तो ये ऑन रहता है। फिर पत्ती जो है एक तरह से ये टी स्टेशन है, तो हमने यहाँ रखी हुई है। पीजी टिप्स आम घर में इस्तेमाल होती है, लेकिन वो मार्क स्पेंसर की जो गोल्ड टी है बच्चे वो पीते हैं ज़्यादातर, वो हमने अंदर रखी हुई है। तो मिल्क है, शुगर है, टी है, वो टी बैग्स रखने के हैं ये वाले, छोटी छोटी कटोरियाँ सी हैं यहाँ पर। तो ये वाली चाय है जो सोनी और मियाँ साहब वगैरह जो है वो पीते हैं। तो ये पत्ती, चीनी, दूध की मेजर सप्लाई यहाँ पर है, कॉफ़ी वगैरह की सप्लाई जो है वो उसमें है सारी, और बच्चों के फूड जो हैं, जो फूड पाउच वगैरह खाते हैं वो यहाँ पर है। अब हमने ये सारी अलमारियाँ और ड्रॉवर्स का आपको बता दिया। ये कोना जो है ये स्पाइसेस का है, तो अब ये कोई साफ सूफ नहीं किया हुआ, हमारी लाइनें जो हैं वो बच्चे हमेशा टेढ़ी कर जाते हैं। तो ये देखें, तो बहुत सख्ती के बाद कम से कम फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो हाल बेहतर है ही। ये छोटी छोटी, ये जो है ये छोटी छोटी स्पाइसेस हैं, देखिए नज़र रखनी ही पड़ती है। ये नीचे ज़्यादा सॉस और वो डब्बे हैं ऐसी स्पाइसेस के जो बैकअप हैं कि ख़त्म हो तो इधर से निकाल के डाल लिए। काली मिर्चें, बड़ी इलायची, हल्दी, धनिया, मिर्चें, इन डब्बों में सेवैयाँ वगैरह जो हैं, एक में मीठा बादाम और बादाम और नारियल वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो डब्बा अलग है इलायची का, हरी इलायची का, बादाम का, नारियल का, और बाकी जो मसाला जाते हैं उनके डब्बे अलग हैं, अनारदाना वगैरह, तुखमलंगा वगैरह, ऐसी चीज़ें जो बहुत खुशबूदार नहीं हैं उनका डब्बा अलग है। तो यहाँ पर दो बड़े डब्बे हैं और दो इस साइज़ के डब्बे हैं ताकि हम हर चीज़ अलग अलग रख सकें। इसमें फूड कलर्स वगैरह, एसेंस वगैरह हैं। तो ये डब्बा और पीछे वो जो है सारे बेकिंग की चीज़ें हैं, सोडा वगैरह है, पीनट बटर है, और ये सारे सॉस वगैरह हैं। तो इस तरह पर ये कोना है, और ये हैं ड्रॉवर्स। ये जो है चमचों की दराज है, इसमें सब डिश स्पून रखे हुए हैं। ये वाले बड़े सालन, ये वाले चावलों के चमचे हैं, और ये वाले सालन के लिए बड़े लंबे चमचे जो हैं, कभी पॉट में से निकालना हो तो ये यूज़ करते हैं। चमचियाँ, छुरियाँ, सब ये चीज़ें जो ये हमारे ख्याल में विलरोइन बॉक के हैं। बहुत खूबसूरत सेट है ये, बहुत ही प्यारा, आम घर में हमारे ये इस्तेमाल होता है। और ये वाला जो है शान के मसाला जात रखे हुए हैं, और चाट मसाला वगैरह है, अमचूर है, मेथी है, और बिरयानी के भी होंगे लेकिन हमारे घर में कभी यूज़ नहीं हुए, तो ये बस एक्सपायर होते हैं, आते हैं और बच्चे फेंक देते हैं, ये इस काम आते हैं। जो तंदूरी चिकन है सिर्फ वो मसाला यहाँ पर यूज़ होता है, और निहारी, दो मसाले जो बने बनाए बच्चे पसंद करते हैं वो तंदूरी चिकन का है और निहारी का है, बाकी और कोई मसाला भी यहाँ पर यूज़ नहीं होता है। अचारी चिकन जो है उसका भी घर पर ज़्यादा अच्छा बनता है। ये नीचे सारी बेकिंग की चीज़ें हैं, जेली वगैरह है, हर चीज़ है। ये वाला जो है ये तो आपने बारहा देखा होगा कि मसाला जात हैं सारे, सारी स्पाइसेस हैं इसके अंदर। इधर वो बड़ी वाली स्पाइसेस जो हम रखते हैं, सूखा धनिया, हरी इलायची, रॉक सॉल्ट, बे लीफ वगैरह इसमें होते हैं, और इसमें सारा गरम मसाला है, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दार चीनी, ये चीज़ें जो हैं लौंग वगैरह वो इन ग्रे वालों में मौजूद हैं। नीचे बहुत पुराने कंटेनर्स आटे का, उबलने वाले चावलों, उबालने वाले चावलों का,
और बासमती राइस का जो बिरयानी और जर्दे वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये बॉटल्स हैं सारी दालों की। तो पीछे एक लाइन जो है बॉटल्स की दालों चनों वगैरह की मौजूद है। तो ये हमारा किचन और ये अलमारियाँ जो हैं ये हैं जहाँ हम पका के रखते हैं। तो नमक मिर्च वगैरह की जो हमने मसाला जात यूज़ करने हैं वो ये हैं, और ऊपर हमने रखे हुए हैं जो आमतौर पर कुटी हुई मिर्च, कश्मीरी मिर्च, साबुत चिली और धनिया। यहाँ पर अगर कोई मीठा हो तो वो रखते हैं हम, जैसे क्रोसॉन्ट रखे हुए हैं, बेकरी की चीज़ें रख लेते हैं कभी। यहाँ पर हम पका के रखते हैं कि सालन बनाया कटोरा जो यहाँ रखा, और इसके पीछे अच्छी खासी ये जगह है, ये दूर है, काफ़ी दूर है, तो पूरा कटोरा जो है पीछे भी लाइन आ जाते हैं, तो कोई दावत हो कुछ हो आराम से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये वाला जो है ये मेहमानों के बर्तनों का है, तो आम जैसे कोई आया तो जल्दी से चाय बनानी हुई तो ये हम यूज़ करते हैं, ग्लास वगैरह ये यूज़ करते हैं। ये हमारी क्रॉकरी है समझें, तो सोनी जो है उसके मग्ज ये हैं, वो इनमें चाय पीता है, और हम भी घर में अमूमन इन्हीं में पीते हैं। ये कोने में रखी हुई चीज़ें हैं, कैंडल्स जो हमको बहुत अच्छी लगती हैं वो पार्क्स की हैं, तो सबसे ज़्यादा इस घर में जो कैंडल्स यूज़ होती हैं वो पार्क्स की हैं। ये देखें बहुत ही पसंद, बहुत ही प्यारी खुशबू। ये अलमारी पेंट्री समझो या जो बर्तनों की है, तो मसाला जात और बर्तनों की एक अलमारी नहीं होनी चाहिए, सब बर्तनों को भू लग जाती है। ऊपर वो बर्तन हैं जो बहुत कम यूज़ होते हैं, कभी कभी यूज़ होते हैं। यहाँ पर ये देखें कटोरे गलत रखे हैं, तो ये कटोरा जो है वो यहाँ का है तो ये अब पता नहीं किसी ने रखा है। इस तरफ ये ट्रेस रखी हुई हैं, ये ट्रेस जो हैं ये बुगैटी की हैं, जो गाड़ी होती है उस ब्रांड ने ये बनाई हुई हैं। ये मेलामाइन की ट्रेस हैं, और अम्मी को खाना इसमें देते हैं। ये हमारा वो सेट है जो कि डिश वॉशर में जा सकता है, आम इस्तेमाल का है, और ये इसका ब्रांड है। तो बहुत अच्छा, लेकिन बहरहाल कॉर्निंग वेयर का जवाब नहीं, बहुत लाइट वेट और बहुत अच्छी आयरस है पैटर्न जो इनके ऊपर है। और जब भी कोई बर्तन लें घर में रोज़मर्रा के इस्तेमाल का, ये देख के लें कि उसमें सारन वाली प्लेटें हों। डिज़ाइंस तो आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत मिल जाएंगे इनमें कॉर्निंग वेयर में, लेकिन जो सालन वाली प्लेटें हैं, सूप बोल्स वगैरह जो होते हैं, वो नहीं मिला करते उस सेट के साथ के। तो वो लें जिसके साथ सालन वाली प्लेटें जो हैं वो आपको मिलें। तो हमने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा है, क्योंकि हमारे सालन के लिए सालन वाली प्लेट होना बहुत ज़रूरी है। ये पायरेक्स की हैं शायद, ये जो डिशेज हैं ये हमें बहुत पसंद हैं, बहुत प्रैक्टिकल, और बहुत इसमें सालन आता है बहुत। ये देखें, और छोटी मोटी ये जो कटोरियां हैं कि एक दो निवाले बचे, कीमे के, चटनी बनाई धनिया पुदीने की, कुछ बनाया, ये छोटी छोटी कटोरियां जो हैं, गाजर का हलवा हुआ रखना, ये बहुत अच्छी रहती हैं। और ये काफ़ी, ये भी कॉस्टली आती हैं, महंगी होती हैं, ये भी आम जैसे कटोरा हो वो फिर भी रीज़नेबली प्राइस्ड होता है, उसके मुकाबले में ये वाली जो हैं ये एक्सपेंसिव होती हैं। और ऊपर जो है सारे आयरस की चाकोर डिशेज़ वगैरह हैं, वो देखें पीछे सारी वो रखी हुई हैं। और ये मग्स, ये बहू और दामाद के मग्स हैं, वो बड़े मग में पीते हैं। ये सारे ग्लास जो कि आजकल घर में इस्तेमाल हो रहे हैं, गिलास हमेशा वो लें जो आप एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर सकें, जैसे कि ये हुए हुए हैं, हमेशा डाल के देखें कि फंसते ना हो। तो ये वाले गिलास जो हैं ये भी हमने बहुत यूज़ किए हैं, अभी नए बॉक्सेस भी जो हैं वो इनके रखे हुए हैं, और पीछे रखे हुए होंगे तीन तीन चार चार एक दूसरे में डाल के। तो हर ग्लास ऐसा लें चेक करके जो एक में दूसरा फंसे ना, और ये वाले भी हमको इसीलिए बहुत अच्छे लगते हैं, ये बहुत अच्छे एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं। ये देखें, तो ऐसा गिलास खूबसूरत सा ले लिया और बीच में फंस जाए तो वो एक मुश्किल पैदा करता है, या आप उसको स्टैक ना कर सकें एक और मुसीबत है, तो ये नहीं होना चाहिए। आम मग्स हमारे घर में ये इस्तेमाल होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्टेनलेस स्टील पॉट्स जो हैं ये कॉनिक है, और स्कैन पैन की हैं, कुकर्स जो हैं वो फिसलर के हैं, और ये नीचे कटोरे हैं, और ये जो पॉट्स हैं नीचे ये रॉयल डाल्टन की हैं। ये वाले कटोरे जो हैं ये बहुत यूज़ होते हैं, ये साइज, ये कटोरे सारे दिन रात, ये वाले कटोरे जो हैं बहुत कम यूज़ होते हैं, ये कटोरे मिलते मुश्किल से हैं। ये फ्लास्क हमने रखा हुआ है मेंथॉल के लिए, यूकलिप्टस ऑयल डाल के थोड़ा सा बच्चे को सुंघाना हो, सर में दर्द हो, स्टफ़ी नोज हो, हेडेक हो, तो इस फ्लास्क में हम यूकलिप्टस ऑयल के दो कतरे डाल के, बॉइलिंग वाटर डाल के आधा भर के बच्चे को दे देते हैं। तो ये है कि सेफ़ भी है
आप हाथ में भी पकड़ सकते हैं, गर्म भी नहीं होता और ग्रिप भी इसके ऊपर बहुत अच्छी रहती है और गन भी ज़्यादा देर तक रहता है। और ये बेटी मंचूरियन, चिकन मंचूरियन बनाने लगी है वो। ये चिड़ियों का खाना, अदरक अभी हमने छील के रखनी है। साउंड सिस्टम हमारा माइक्रोवेव बेक भी करता है। ये इन्वर्टर है, पैनासोनिक का है, बहुत पुराना है। अवन सेल्फ क्लीन है, कभी किया नहीं। नीचे वाली जो वार्मर ड्रॉवर है उसमें हमने तवे वगैरह रखे हुए हैं। और ये वाली जो दराज है इसमें हमने ये पॉट्स रखे हुए हैं, जिनका ब्रांड जो है वो साथी हमसे बहुत पूछते हैं। ये देखें, ये है, तो काफ़ी यूज होती हैं ये। तो ये वाली दराज जो है बारबेक्यू की स्क्यूअर्स की है, ये वाली दराज जो है ये बेकिंग की, ये देखें चीज़ों की है सारी। और ये नीचे वाली दराज जो है ये सारी फ्राइंग पैन्स वगैरह की है। और ये हमने साफ नहीं की हुई, तो माजरत जैसी है दिखा रहे हैं, वरना ये वक्त कभी भी ज़िंदगी हमें नहीं देगी कि हम ध्यान से आपको ये सब दिखा सकें। इस वाले में सारे पेपर्स, बेटी की बुक जिसमें वो लिखती है रेसिपीज़ वगैरह, सेलो टेप, और ऊपर इधर कैंडल्स हैं, और सबसे ऊपर जो है वो भी कैंडल्स और ऑयल्स वगैरह हैं, और बीज हैं जो हमने बोने होते हैं, एयर फ्रायर। और ये वाली अलमारी जो है ये बच्चों की गुडीज़ की है, कि बच्चे जो हैं जो खाना पसंद करते हैं वो यहाँ पर हमने चिप्स वगैरह, लॉलीज वगैरह, नट्स वगैरह सब जो हैं वो यहाँ पर रखे होते हैं, नूडल्स वगैरह बच्चे जो खाते हैं। तो इधर अलमारियाँ, तो बेंच टॉप जो है जब आप बनवाएं तो आप ये ध्यान में रखें, बाहर वो देखें वो जो ड्रम है उसमें गत्ते जलाते हैं, तो वो बच्चों ने जलाया हुआ है। जब ये बेंच टॉप आप बनवाएं तो आप ये ध्यान में रखें कि आपका हाथ जो है जब आप इसको वाइप करें तो इसके एंड तक जाए, इतना चौड़ा ना रखें कि आपको चल के दूसरी तरफ जाना पड़े इसको साफ़ करने के लिए। चौड़ा रखें ताकि मेहमान शहमान आएँ तो आप टेबल के तौर पर इस जगह को इस्तेमाल कर सकें। ये दराजें इसमें देखें क्या है, चमचे स्पेयर, बहुत सों की तो हमने छुट्टी करा दी, थक गए रख रख के। और ये वाली दराज जो है ये हेडफोन्स की है, और क्लिपर्स वगैरह रखे हुए हैं, पौधे बांधने की चीज़ें हैं, इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे होता है इंसेक्ट्स के लिए वो है, हेडफोन्स हैं, इंची टेप है, और ये गलत चीज़ किसी ने बीच में डाली हुई है। ये देखें ये बच्चे डाल के गए हैं, ये बच्चे डाल के गए हैं, ये देखें। तो ये हमने अभी उठा के रखनी है, ये सब बच्चे डाल के गए हैं। धागा रखा हुआ है पौधे बांधने का, और ये चाबियों की सारी जो हैं ये कटोरियाँ हैं। नीचे जो है वो प्लास्टिक वेयर है, ये देखें सारा प्लास्टिक वेयर, कंटेनर्स वगैरह जो हैं हमने यहाँ पर रखे हैं। यहाँ पर वो चादरें हैं जो हम बिछाते हैं यहाँ पर, प्लास्टिक चादरें, कागज़ जिसमें हमने धनिया रैप करना होता है, बच्चों ने जिस चादर को बिछा कर खाना खाना है वो इसके अंदर है। और किचन जब भी बनाएं उसके साथ एक बैठने की जगह ज़रूर हो, अगर आपको जगह मैसर है, ज़मीन है, तो किचन ऐसा नहीं होना चाहिए जो बंद हो, या मेहमान आई हैं तो वो सिटिंग रूम में बैठे और खातून खाना सारा वक्त जो है वो खड़ी होकर काम कर रही है, ये ठीक नहीं है। तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर सारे लोग आके बैठ सकें, फिर बच्चे भी जो हैं वो आके बैठते हैं, देखते हैं कि माँ कैसे काम कर रही है, वरना बच्चे कमरे नहीं छोड़ा करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं तो एक कनेक्शन आपका रहता है, और ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आप अपनी नस्लों में करते हैं, कि उनको एक टच देते हैं, उनको एक साथ देते हैं। आपने सारा दिन काम करना है तो आप बच्चों को अलग करके कमरों में काम नहीं कर सकते, अगर वो बर्ची खाने में बैठे भी हुए हैं, चाहे फ़ोन लेकर बैठे हुए हैं, तब भी कुछ ना कुछ उनके कान में बात पड़ रही है और काम करती माँ जो है वो दिखाई दे रही है। तो ऐसी जगह ज़रूर होनी चाहिए। फिर मर्द हजरात जो हैं वो सिटिंग रूम में बैठ जाते हैं आके, और लेडीज़ जो हैं वो यहाँ पर बैठ जाती हैं और कुर्सियाँ ले आते हैं, रख लेते हैं अगर ज़्यादा अफराद हों। तो ये है किचन जो कि हमारा है, और ये चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, इस तरह पर बनाना है। सारा कुछ हमने आपको दिखा दिया, ये ऊपर की अलमारियाँ नहीं दिखाई आपको, ये ऊपर की अलमारियों का नहीं बताया। और ये जो है ये देखें, यहाँ पर सारे डिस्पोजेबल कप्स हैं, बिन बैग्स हैं, ऊपर जो हमारे बैकअप होता है वो है, तो इसको टाइडी करना पड़ता है, हम लैडर रख के करते हैं तो साफ सुथरी रहती हैं। ये वाली जो है इसके अंदर सारे ये फ्लास्क वगैरह हैं, ये पानी रखने की टेबल पे बॉटल्स हैं, और थर्मस वाले कप्स जो होते हैं वो होते हैं, और जूसर है, ये कॉफ़ी मशीन, और ये जो है ये सीरियल्स और अचार का खाना है। तो
यूं हमारा किचन है, और नीचे इसमें फ्रिज में फ्रीजर है, ये हमारा फ्रिज है। तो ये तो था हमारा किचन जो हमने आपको सारा दिखा दिया, बता दिया क्या चीज़ है, कैसी है, कैसे लेना है, क्या चीज़ ने हमें फ़ायदा दिया। तो एक हाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छा चूल्हा, अच्छा सिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छा बेंच टॉप बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छा एग्जॉस्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें जो हैं उसमें बेशक पैसा बचा लें, लेकिन इन चीज़ों में ना बचाएं, इसलिए कि इनके ना होने से आपका घर जो है वो ख़राब हो सकता है। तो ये जो हमारी अलमारियाँ हैं, ये वाली और वो वाली, और वो वाली तो नहीं लेकिन ये दो, इनके ऊपर हमने प्लास्टिक डाला हुआ है, प्लास्टिक रखा हुआ है इसलिए कि सारे फ्यूम्स घुस के उधर बैठते हैं, जितना मर्जी एग्जॉस्ट हो, आखिर ये किचन है। तो इन अलमारियों को 2-3 महीने बाद बैम स्प्रे करके हम साफ करते हैं, सारी नीचे से भी वाइप करते हैं, सारी साफ़ सुथरी हो जाती हैं बिल्कुल, और ऊपर जो हमने प्लास्टिक बिछाया हुआ है हम उसको चेंज कर देते हैं, अलमारी बिल्कुल साफ़ की साफ़ रहती है। अगर आप अलमारियों को बिना प्लास्टिक बिछाए छोड़ देंगे तो वो अलमारियाँ सारी ऊपर ग्रीसी हो जाएंगी, और वो उतारना और साफ़ करना बहुत मुश्किल है। तो जो भी चीज़ें इस तरफ को हैं, जो करीब हैं चूल्हे के, उन जगहों को ऊपर से कवर कर दें, एक दफ़ा ही करना है, उसके बाद चाहे साल, 2 साल, 5 साल बाद आप उसको बदल लें, लेकिन आपकी अलमारियाँ साफ की साफ रहती हैं। तो ये तो था हमारा किचन। अब बच्चे बाहर खेल रहे हैं, थोड़ा सा उनको टाइम दें, और खुदा करे कि ये चीज़ें जो हैं ये आपके काम आएँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्डिंग के बारे हमने आपको बतानी है कि क्या हो क्या ना हो, घर के बारे में कैसे बिल्ड करना, क्या करना, कमरे कैसे होने चाहिए, क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम आपको घुमा फिरा के नहीं दिखाएंगे, वो हम आपको एक जगह बैठ के ही सारा कुछ दिखाएंगे। किचन तो दिखाना बहुत ज़रूरी है, जैसा था जैसे रखा हुआ था सारा हमने दिखा दिया है। तो अभी बहुत अनटाइडी है, ऑब्वियसली जितने हाथ होते हैं बच्चे होते हैं वो सारा कुछ जब हिल जाता है, लेकिन खातून खाना को आकर साफ करना पड़ता है। तो चलते हैं बाहर निकलें, थोड़ा सा आपको समा दिखा दें, शाम दिखा दें, बहुत खूबसूरत शाम है यहाँ की, बहुत ही प्यारी, बहुत ही काम, बहुत ही खामोश, पीसफुल, पुरसकून, बहुत प्यारी शाम है। तो हमारी एक शाम चाह रहे थे कि बाहर बाग की भी आपको सैर करा दें, लेकिन सारा दिन वक्त ही नहीं मिल पाया है। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा करे कि ये क्लिप जो है ये आपके काम आए, और आपका एक बहुत अच्छा सा किचन तैयार हो, जब भी हो अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा बहुत प्यारा सा किचन अता करे, जिसमें कि आपने बहुत सा ज़िंदगी का वक्त गुजारना होता है। और हमें ऐसा लगता है कि जिनके चूल्हे गर्म हैं उस घर में बरकत है, उस घर में हमें लगता है वीरानी हो जाती है, जहाँ का बावर्ची खाना जो है वो आबाद नहीं होता। हमें याद है इंग्लैंड में ताई जान का घर था, ताया जान का घर था, अब तो खैर ख्वाबो ख्याल हो गया, सब दुनिया से चले गए, हर वक्त कोई ना कोई आया होता था, हर वक्त चाय जो है वो चूल्हे पे चढ़ी ही होती थी। तो बरकतों वाले घर, शादो आबाद घर, अल्लाह ताला हम सब के घरों को बरकतों से भरा रखे, आबाद रखे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।